नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपी टेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं मेरी इस ऑनलाइन क्लासेस में। अभी जो हम क्लासेस लेने जा रहे हैं ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमारी है मॉर्निंग की। 6 बजे क्लास थी, थोड़ी सी लेट हो गई है और मैंने यहाँ पे गो टू मीटिंग से हम टाइप क्लासेस लेते हैं। हमने गो टू मीटिंग में जैसे यहाँ पे ऑन किया है, ऑन करने के बाद अब यहाँ पे जो मीटिंग आईडी है ये मीटिंग आईडी मैं अभी भेज देता हूँ अपने क्लास के। मीटिंग आईडी मैंने अपने व्हाट्सएप कर दिया है, हर क्लास की आईडी अलग होती है तो मैंने ये आईडी भेज दी है। अब 2 मिनट में वो ज्वाइन करेंगे। और बोल देता हूँ, या देखिए मिस्टर जाहिद गैलेक्सी ज्वाइन किया है। अभी उनको मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, जो विंडो मुझे दिख रही है वही विंडो उनको दिख रहा होगा। अब जैसे मैं स्क्रीन ऑन करूंगा उनको मेरी स्क्रीन आएगी। अब यहाँ में देखिए मैं, क्योंकि वॉइस नहीं है अभी, उन्होंने अभी तक ऑडियो अलाउ नहीं किया है। तो मैंने ऑडियो अलाउ करने का ऑप्शन दे दिया और मैं स्क्रीन भी दे देता हूँ साथ में। अब मेरी कंप्यूटर स्क्रीन को लाइव वो मुझे देख पा रहे होंगे, मैं जो भी मूवमेंट कर रहा हूँ उनको दिख रहा होगा। हेलो, आ गया जाहिद जी, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जाहिद जी गुड मॉर्निंग, हाय सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। यहाँ मैं पे भी ठंड ठीक काफी हूँ बढ़ गई है। सर। ठीक है सर, ठंड तो बढ़ गई है। सर ये स्टार्ट है सर, तो क्या यूजर हाँ फॉर्म सर, करें बोला या फंक्शन में आगे बढ़ें? सर, फंक्शन ओके, तो फंक्शन में हमने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे, उसके अलावा आपने क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं किए? में नहीं सर, वो तो सर हुए थे ना। सर प्रैक्टिस नहीं है आपकी लग रहा है, क्या दिक्कत आ रही बताइए। जैसे कि आपको मैं फोर्थ क्वेश्चन बता दिया था, फिफ्थ क्वेश्चन में यस सर, बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है आपको? क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, बना नहीं पा रहे हैं। इसमें सर यही था ना कि जो टैक्स है और जो नंबर है इसको करना है अलग, नहीं यही नहीं शायद। हाँ नहीं यहाँ लिख पढ़िए ना कि कंबाइन डैश इन एवरी करेक्टर लाइक एस डैश डी डैश एफ डैश वन, समझे? मतलब कि मुझे क्या करना है कि इसमें जाना है, इसके हर ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके हर करेक्टर के बीच में डैश लगा दे। मतलब जैसे हम सब इंस्टीट्यूट यूज करते हैं लाइक कैसे। मजे आए, दिख रहा है आपको सर? जी सर, इस तरह से करना में क्या परेशानी है आपको? समझिए क्या करना है, तो मुझे एक एक लेटर को सर अलग करना है, तो मुझे वीवी में भी एक एक लेटर को अलग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फंक्शन नाम बताते हैं, मॉड्यूल्स फंक्शन। फंक्शंस, और फंक्शंस में हम देते हैं सी कैट, कंबाइन कैट के नाम से फॉर्मूला, और एन हमने बोल दिया स्ट्रिंग, और दूसरा सेपरेशन इज एज ए ऑल्सो स्ट्रिंग। तो जो हमने फॉर्मूला लिख लिख कर लिया कि फॉर्मूला है, मुझे दो इनपुट होगा यहाँ नाम से, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम इसमें डैश लगाना है तो डैश, या कोई और करेक्टर लगाना है तो हम यहाँ पे कोई और करेक्टर रखेंगे। ठीक है, जी अब बात करते हैं कैलकुलेशंस की। यहाँ पे लिखेंगे कि 4 आई इक्वल टू चले 1 2 लेन
और लेन में हमने बोल दिया एस। कितना करेक्टर हो एस नहीं होगा, एन होगा, माफ कीजिएगा यहाँ एन, कि जो करेक्टर ए वन में जितना करेक्टर हो, सॉरी ए वन का करेक्टर कहाँ पे आ गया, साइन हो गया कहाँ पे, एन के ऊपर, जी सर। ठीक है। अब यहां पे एक और फंक्शन रिजल्ट के लिए डिम, यहां पे आर एज ए स्ट्रिंग कर देते हैं हम यहां पे, और यहां करते हैं कि आर इक्वल टू, यहां पे क्या किया आर इक्वल टू, और हमने आर के साथ कंबाइन किया इसको एस को, सेपरेटर है, और फिर हमने लगाया फॉर्मूला मिड का, क्योंकि मुझे एक एक करेक्टर अलग करना है, आप समझे, तो हमने बोला कि में से आई पोजीशन का एक करेक्टर अलग कर दो, वो करेक्टर सेपरेशन के साथ आर में कंबाइन कर दो, बात समझ में आया। तो हमने एक एक करेक्टर उठाया और सेपरेशन के साथ आर में कंबाइन करते चला गया, कब तक, जब तक कि पूरी लेंथ खत्म नहीं जाती। अब यहां पे अगर मैं सी कैर के अंदर सी कैर इक्वल टू हमने डाल दिया आर, लेकिन रिजल्ट आएगा लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ, इसमें स्टार्टिंग में भी डैश लग सर। जी अब स्टार्टिंग में डैश लगा क्यों लगा, पहले चीज को सोचिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्यों अगर आप कर लीजिएगा तो कैसे करना है वो आपको ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, तो क्यों हुआ सर। जाय जी, जी जाय जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जी मैथमेटिक्स सर। पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, सर एक्चुअली क्या, क्या मैं एक बार मैक्रो, मुझे सर जो दिक्कतें आ रही है फंक्शन में आ रही है सर, फंक्शन इसमें, में सर, फंक्शन में। फंक्शन भी तो वही है जो आपका मैक्रो है, अगर मान लीजिए फंक्शन हटा देते हैं, मुझे मैं इसके जरिए ही करना है, सेल के जरिए ही करना है, तो दोनों में डिफरेंस नहीं होगा, अगर मैंने आप मैक्रोज के जरिए करना चाहते हैं तो मैक्रोज और फंक्शन में ज्यादा दिक्कत हो रही है, एप्लीकेशन का दिक्कत है। अब यहां पे मैं कर दूंगा कि डिम एन कॉमा एस एज ए स्ट्रिंग, अब देखिए फंक्शन में क्या होगा, यहां पे एन इक्वल टू हो जाएगा आपका रेंज, रेंज ए थ्री डॉट वैल्यू, और एस इक्वल टू सेपरेशन जो आप देना चाहते हैं, उसके बाद बाकी जो चीजें होगी वही होगी, फंक्शन और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और यहां अप्लाई करने के लिए रेंज थ्री डॉट वैल्यू इक्वल, बोलिए यहां एन, हाँ अब बताइए क्या डिफरेंस लग रहा है दोनों में। देखिए फंक्शन में आपका सब्जेक्ट हुआ तो उसको आपको रन करना पड़ेगा, पहली प्रॉब्लम, दूसरी इनपुट्स आपको डिफाइन फंक्शन के इसमें सब्जेक्ट के अंदर में करने पड़ेंगे, फंक्शन में इनपुट की डिफिनेशन हम ब्रैकेट में करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन में, जी सर। कि आपका उससे होता है, सर एक तो ये इस मेकिंग में कंफ्यूज है कि हमें कहाँ मैगर यूज करना है, कहाँ फंक्शन यूज करना है, देखिए और फंक्शन इसमें आप वहां, हर सुनिए एक मिनट में, फंक्शन आपको वहां यूज करना जहां आपको तुरंत अपडेट चाहिए,
अगर मान लीजिए जो काम मैंने इससे किया है, इसी काम को अगर हम मैक्रो से करेंगे, आर मैक्रो है, मैंने इसको रन कर दिया, तो वही काम यहाँ कर देगा, कर दिया ना। जी सर, अब मैं इसमें अपडेट करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ कि सुजीत कुमार, जी सर, अब मुझे इस चीज को अपडेट करने के लिए वापस मैक्रो को रन करना पड़ेगा। जी सर, लेकिन अगर मैं फंक्शन अप्लाई करता तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। मैं यहां पे मान लीजिए कि मैं यहां पे लिखता हूं राजकुमार सिंह, एंटर मारते चेंज हो गया ना। यस सर, तो फंक्शन हमको लेकिन यूज करना है जहां पे मुझे तुरंत अपडेट चाहिए। दो क्राइटेरिया है, तुरंत अपडेट चाहिए। यस सर, यूजर फॉर्म में फंक्शन का बहुत यूज होने वाला है, ये जितना आप यूज कर रहे हैं उसका कुछ नहीं, इससे भी ज्यादा यूज फंक्शन यूजर फॉर्म में यूज होता है, ओके, ठीक है ना। इसलिए फंक्शन को समझना जरूरी है। ओके। और सर, क्या हम फंक्शन को एज ए मल्टीपल शीट या मल्टीपल वर्कबुक के बीच में यूज कर या सकते हैं? कहीं भी जैसे मान लीजिए ना, मुझे यहाँ पे आया और मुझे यहाँ पे पूजा है, और मुझे यहाँ पे वो फंक्शन यूज करना है जो हमने इसे किया था। तो आप यहाँ पे जी अगर सर, करेंगे सी कैर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सी कैर, अब एक्सप्रेशन नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आया, नहीं सर, क्योंकि यहाँ आपको फंक्शन में जाना पड़ेगा, यहाँ यूजर डिफाइन फंक्शन होता है, देखा आपको, यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन उल्टा आ रहा है, बिल्कुल लिखा हुआ क्यों आ रहा है, ये पूरा जैसे लिखा हुआ ना उस तरह से लिखना होगा सर, कुछ नहीं और कुछ नहीं। L2 ब्रैकेट ओपन एक्सलेस सीसी का है, ये पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसा करने से तो नहीं आ जाता था, पर L2 सिर्फ दे रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है सर। लेकिन उसके लिए आपको फाइल ओपन होना चाहिए, ठीक है ना। ओपन नहीं है तो फिर आपका कहीं भी अप्लाई नहीं होगा। स्लैश L2 डॉट XLSM स्लैश सी का है, जी हेलो हेलो। सर, एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है, इसको तो सर हम ऐड इन से करके हर एक हाँ, वर्कबुक एड में इंस करने के इसको हम ऐड ऊपर, कर एड इंस सकते करने हैं। के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्सेलेस है, एक्सेलेस यस सर, में एड इन करने के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस सर, एक्चुअली सर मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मुझे हर करेक्टर बीच में वो करना है या फिर मुझे वीलकॉप से वैल्यू मैच करानी है, तो जैसे हाँ, केवल हम रेफरेंस आप कहीं और दे सकते हैं, रेफरेंस में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, एक्चुअली तो मैंने एक्चुअली क्या किया था कि मैंने वीलकॉप किया था मल्टीपल वर्कबुक के बीच में, तो मैंने मैक्रो बनाया था तो वो हुआ था, और फंक्शन का मुझे ध्यान नहीं, मैंने क्या नहीं किया था, तो क्या फंक्शन के थ्रू भी हम मल्टीपल वर्कबुक में वैल्यू को मैच करा सकते हैं? क्या सकते हैं, तो हर वो चीज मतलब पॉसिबल है कि मतलब जो हम मैक्रो से करते हैं वो हम फंक्शन से भी कर सकते हैं? हाँ, फंक्शन कैलकुलेशन के लिए होता है। देखिए फंक्शन क्या काम करता है, कैलकुलेशन के लिए होता है, हर चीज नहीं, कैलकुलेशन यस सर, क्या क्या ना। यस सर,
ठीक है ना। सर। तो फंक्शन को जो फॉर्मूला जैसे यूज करते हो वैसे आप यूज कर सकते हो, बट किसी और फाइल में यूज करना है तो एडिंग्स करना होता है, या फिर जो तरीका मैंने अभी बताया ना ये तरीका करना पड़ेगा। सर एक्चुअली मुझे एक्सप्लेन में नहीं इसको मतलब पता था कि इसमें हर कैरेक्टर के बीच में डैश कैसे लेके मतलब आते हैं, तो मुझे शायद लग रहा है कि मुझे शायद एक्सेल भी पड़ेगा सर। ठीक हाँ, यहाँ पे बेसिकली समझिए क्या है कि हमने क्या किया हुआ है कि हर वैल्यू को स्किप किया हुआ है, और फिर उसको आपस हर हमने किया हुआ है जो यहाँ पे जो एन है, एन में से हर एक करेक्टर को वन बाय वन करके हमने अलग किया है और किसी एक और जी वैल्यू सर। जो आर है उस पे ऐड किया है, और ऐड करते समय हमने यहाँ पे एस लगा दिया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम में आर जो है हमारा ब्लैंक था, जी सर। और इसलिए वो डैश बाय डिफॉल्ट ऐड हो गया। सर इसको आर के साथ आर को एस के साथ कंबाइन कर दिया और फिर इन हाँ, दोनों को कंबाइन कर दिया मिड के साथ। जी मिड से एक करेक्टर लिया हमने, एन से एक करेक्टर लिया, देख क्या आ रहा था आपको ये चीज समझ। यहाँ पे एस हमने लिखा, यहाँ पे सुजीत लिखा, राइट ना। तो हमने यहाँ सर। क्या बोला कि भाई यहाँ पे एक डैश रखा हुआ है, सिर्फ डैश है, जी सर। हमने क्या किया कि इसको सेलेक्ट किया, इसको एन परसेंट, और हमने इसको सेलेक्ट किया, और इसमें से हमने एक इसमें से इसमें हमने एक वैल्यू एस ले लिया जो कि मिड दे रहा है। अच्छी मिड कैसे दे रहा है, तो मिड के मैंने बोला कि भाई इस ऊपर वाले वैल्यू में से जाओ, एक करेक्टर को अलग करो, एक पहले करेक्टर से एक करेक्टर को अलग करो, पहले करेक्टर से एक करेक्टर को अलग करो, ऐसा आ गया। अब ये ब्लैंक था ना, जी सर। ये आपका आर है, समझिए ये आपका क्या हुआ, आर है, ये आपका क्या हुआ, एन है, और ये आपका क्या हुआ, एस है, ये भी आपका आर है, आर कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। अब अगली बार क्या हुआ, अगली बार हमने बोला कि इसमें कंबाइन करो इसको, और फिर हमने बोला कि मिड, हमने बोला कि इसमें से, अब मैं बोल रहा हूं कि दूसरे नंबर से एक करेक्टर को लो, दूसरे नंबर से एक करेक्टर को लो, अब आ गया एस यू। तो हर बार सेम चीज होगा, बस क्या होगा कि आपका मिड जो है अपनी वैल्यू बढ़ा देगा, जी मिड अपनी वैल्यू बढ़ा देगा, क्योंकि हमने वो लगाया हुआ है सर, लूप लगाया हुआ है 1 2 3, तो वो वैल्यू चलेगा जहाँ तक उसको रहेगी सर, लैम रहेगी उसकी। ये सब आर है, और लूप अपनी वैल्यू आर पे अपडेट कर रहा है। यस फर्स्ट टाइम आर आपका ब्लैंक था, सेकेंड टाइम आर आपका क्या हो गया, ट्रू टू हो गया सर। हो गया, इसी तरह से आगे फॉलो किया, ठीक है। और सर ओके रिक्वेस्ट है, खाए तो जो पूरी जी क्लासेस सर। की वीडियो जो है उसको टाइम निकाल के आप देख लीजिए, जी सर या फिर आप दोबारा से वीवी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके सर। सर उसकी फीस चार्जेस सर क्या होंगे सर, सेम होंगे क्या फीस उसके फीस चार्जेस? ट्रेनिंग फ्री है हमारे यहाँ, क्योंकि अभी ओके आगे देखिए, अभी जो हमने आपसे बात की है वो हुआ है आपका इंटरमीडिएट लेवल का वीवीए प्रोग्रामिंग, ठीक है, बेसिक यस सर, इंटरमीडिएट। यस सर। लेकिन एडवांस लेवल की इंटरमीडिएट करने के लिए आप एलिजिबल नहीं है जैसे कि मुझे लग रहा है, क्योंकि यस इस तरह सर। प्रोग्रामिंग छोटी सी दो लाइन तीन लाइन की प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एलिजिबल होना चाहिए था, अगर नहीं तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाना चाहिए था। सॉरी सर। क्या याद होगा मैंने आपको एक बार मेल किया था जिसमें मैंने आपको 100 के आसपास वीवीए की प्रोग्रामिंग का था। नहीं सर एक्चुअली ईमेल नहीं हुआ था, वो डिस्कस ही चल एक चल रही मिनट थी। एक ओह मिनट एक मिनट वाह यस सर।
इसकी बात कर रहे हैं ना? नहीं, 100 BV माय कोई एग्जांपल डॉग फाइल है तेरा। हम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, तो इसको देख जी सर, लीजिए आप, ठीक है। शाहिद ओके। सर खान अगर तेजिंदर, क्या बोला? मैं हाँ सर, दोबारा ज्वाइन करने के लिए क्या दोबारा करना इवनिंग पड़ेगा? इवनिंग में कब फ्री है आप? इवनिंग में सर एक्चुअली क्या कि मतलब अभी कोई बंदा आया नहीं है वहाँ पे कंपनी में, तो मतलब 9 बजे के बाद ही मतलब फ्री हो पाऊंगा, क्योंकि 9 बजे तक बैच नहीं है, बैच मेरे पास 7:30 बजे है। 7:30 बजे है आपके पास टाइमिंग? सर एक्चुअली सवा